सब्सक्राइब कीजिए फाइन इन्वेस्टमेंट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट शेयर मार्केट अपडेट्स पाने के लिए। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि श्याम मेटालिक्स लिमिटेड के आईपीओ का ग्रे मार्केट में आज यानी कि 9 जून 2021 के दिन क्या प्रीमियम चल रहा है। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए श्याम मेटालिक्स लिमिटेड के आईपीओ की अगर बात करें तो 14 जून से 16 जून के बीच ओपन होने वाला है अप्लाई करने के लिए। और अगर प्राइस बैंड की बात करें तो करीब 303 से 306 रुपये इसका प्राइस बैंड रहेगा, यानी 306 रुपये में आपको एक शेयर अलॉट होने वाला है। वहीं लॉट साइज़ की बात करें तो एक लॉट में करीब 45 शेयर्स होंगे, यानी मिनिमम आप 45 शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं रिटेल कैटेगरी के हिस्से की बात करें तो करीब 35% शेयर रिटेल कैटेगरी के लिए रिजर्व रखे गए हैं, यानी कि अच्छे खासे शेयर हैं रिटेल कैटेगरी के लिए और आपको यहां पर अलॉटमेंट मिलने में हल्की सी आसानी रहने वाली है। अब बात करते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम की। देखिए शुरू से ही इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम सातवें आसमान पर चल रहा है, हालांकि उतना नहीं चल रहा है जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं हर आईपीओ में, लेकिन यहां पर एवरेज चल रहा है कि हाँ ठीक ठाक है। अगर आज की ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो करीब 133 से 138 रुपए के आसपास चलता हुआ नजर आ रहा है, यानी 306 रुपए में आप एक शेयर खरीदेंगे 138 रुपए का प्रीमियम आपको मिलेगा। और यहां पर आप देख सकते हैं करीब 4 यानी 444 रुपए के आसपास लिस्टिंग के संकेत इसमें मिलते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि मैं बोलूंगा कि खराब भी नहीं है, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि करीब 15 से 20% से ज्यादा जिसमें प्रीमियम रहेगा वो आईपीओ आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि जब आप मार्केट में पैसा लगाते हैं तो आपको 20 से 30% कमाने में ही बहुत समय लग जाता है, लेकिन प्रीमियम जब आपको मिलता है यहां पर आईपीओ में तो आप यहां पर एक ही दिन में लिस्टिंग के दिन ही इतना प्रीमियम कमा लेते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा मौका होता है रिटेल कैटेगरी के निवेशकों के लिए कि वो यहां पर कम समय में थोड़ा सा पैसा यहां पर कमा सकें। तो देखिए यहां पर मुझे लगता है कि प्रीमियम के अनुसार इस आईपीओ में आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए। देखिए बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, अभी सब्सक्रिप्शन देखा जाएगा कि भाई कितना सब्सक्रिप्शन इसमें हुआ है, उसके बाद ही हम डिसाइड करेंगे। थोड़ा डेट नजदीक आने दीजिए, अभी 4-5 दिन है, जैसे ही और नजदीक आएगा तो हमें और पता चलेगा। लेकिन आज तक के सिनेरियो में अगर मैं बात करूं तो इस आईपीओ में मैं जरूर 1-2 लॉट जरूर तो अप्लाई करना चाहूंगा और इसमें देखिए प्रीमियम मिलने की पूरी पूरी संभावनाएं नजर आती हैं। और देखिए बहुत सारे लोगों की ये शिकायत होती है कि भाई मुझे अलॉटमेंट नहीं मिलता, तो मेरा ऐसा मानना है कि आपको मल्टीपल डीमैट अकाउंट से आईपीओज में अप्लाई करना चाहिए। देखिए ऐसा नहीं है कि आप अपने ही नाम से 10 डीमैट अकाउंट ओपन करा लो और अलग अलग से आप करो, ऐसा करोगे तो वो एक ही माना जाएगा, हो सकता है कि सारे लॉट आपके कैंसिल हो जाएं। तो आपको क्या करना है, एक अपने नाम से डीमैट अकाउंट ओपन कराना है, एक अपनी मदर के नाम से या अपने रिलेटिव्स के नाम से ओपन कराना है, अलग अलग पैन कार्ड, मतलब एक डीमैट अकाउंट जो है वो एक पैन कार्ड का एक ही माना जाएगा। अगर नेक्स्ट खुलवाना है तो अगले दूसरा जो पैन कार्ड है चाहे वो जिसका हो उसके नाम पे खुलवाओगे तो वो अलग माना जाएगा। तो ऐसे आपको डीमैट अकाउंट ओपन कराना है और उसके बाद मल्टीपल डीमैट अकाउंट से आप ओपन करेंगे अप्लाई करेंगे तो निश्चित रूप से आपको अलॉटमेंट मिलने की संभावनाएं आपको दिखेंगी। अगर मेरी पर्सनली आप बात करोगे तो मैं भी कम से कम 5 से 6 डीमैट अकाउंट से अप्लाई करता हूं जब कहीं जाकर मुझे अलॉटमेंट मिल पाता है। तो देखिए अगर आप यहां पर डीमैट अकाउंट नया ओपन कराना चाहते हैं अपने अपने किसी फैमिली मेंबर के नाम से तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप फ्री डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और यहां पर कोई एनुअल मेंटेनेंस चार्ज भी आपको नहीं लगेगा। यहां पर मंथली शायद 18 रुपए के आसपास लगता है, फ्री डीमैट अकाउंट है और वो 18 रुपए तब लगेगा जब आप उसमें ट्रेडिंग करोगे, यानी कि अभी 3 महीने कोई आईपीओ नहीं आए थे ना, तो वहां पर आपको कोई भी पैसा नहीं लगता, आपका जो डीमैट अकाउंट है वो बना रहता, कोई पैसा नहीं लगता। तो इस तरीके का डीमैट अकाउंट है तो आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप स्टॉक्स का है, बड़ी कंपनी है, तो निश्चित रूप से आप वहां पर डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।